हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एक्सेल की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा आज का टॉपिक है सेल डिफरेंस। आइए देखते हैं कि सेल डिफरेंस क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, सेल डिफरेंस क्या होता है, एक सेल से दूसरी सेल को अटैच करना। जैसे कि ये आपके नेम बोर्ड में लिखा है, नेम बॉक्स में A4, तो A4 हमारी ये सेल हो गई, A5 ये सेल, A6 ये सेल। तो मान लीजिए A4 में हमने 25 लिखा और इंटर कर दिया, तो ये सिर्फ कहाँ लिखा है, A4 में। अगर मान लीजिए D4 को हम अटैच कर दें A4 से, तो आप जो भी काम A4 में करेंगे वो ऑटोमेटिकली किस में हो जाएगा, D4 में। ठीक है, तो सेल डिफरेंस या कोई भी फॉर्मूला एक्टिवेट करने के लिए हमें एक्सेल में इज इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा। हमने इज इक्वल टू कर दिया और क्लिक कर दिया A4 और इंटर। अब देखिए ये सेल डिफरेंस हो गया, A4 जो है वो D4 से अटैच हो गया। अब आप A4 में जो चेंज करेंगे वो D4 में चेंज होगा, पर D4 में जो चेंज करेंगे वो A4 में नहीं होगा, क्योंकि A4 D4 से अटैच हुई है। ठीक है, D4 A4 से नहीं। मान लीजिए हमने लिखा 250 इंटर, तो देखिए 250 D4 में अपने आप आ गया। पर आप ये कहें कि 200 यहाँ लिख दें इंटर करें तो वो चेंज हो जाए A4 में, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम A4 में 300 कर दें, अब नहीं होगा क्योंकि वो अटैचमेंट अब टूट गई जो हमने सेल डिफरेंस किया था। ठीक है, अब मान लीजिए 300 है, ये D4 को डिलीट कर देते हैं और B4 में मेरा 500 है। अब हमको इसको क्या करना है, मान लीजिए माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हमने बताया कोई भी फॉर्मूला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू। अब अगर 300 माइनस 500 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, या 500 माइनस 300 कर दें। ठीक है, तो इज इक्वल टू हमने क्लिक किया B4। अब D4 में क्या हो गया, B4 से सेल डिफरेंस हो गया है। अब आप अगर सिर्फ इंटर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 500, पर हमने क्या कहा हमें माइनस करना है, माइनस A4 और इंटर, कितना आ गया, 200 आ गया। तो इसी को कहते हैं दोस्तों सेल डिफरेंस, और सेल डिफरेंस के ही मदद से हम लोग आंसर लाते हैं या फॉर्मूला लगाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहला सेल डिफरेंस, रिलेटिव सेल डिफरेंस। अब देख लीजिए रिलेटिव सेल डिफरेंस में जैसे ये टेबल बनी है, प्रोडक्ट नेम पूरा दिया है, क्वांटिटी दी है और रेट दिया है, आपसे क्या पूछा है, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कैसे निकलता है दोस्तों, क्वांटिटी इंटू रेट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट। तो हमने क्या कहा, फॉर्मूला एक्टिवेट करने के लिए इज इक्वल टू, अभी सेल डिफरेंस हम लोग पढ़े थे, बताया गया था आपको, तो सेल डिफरेंस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, B5 इंटू C5 और इंटर, तो आंसर आ गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए भी सेल डिफरेंस की जरूरत है, क्योंकि आप सेल डिफरेंस के थ्रू बता पाएंगे कि आपको दोनों सेल के बीच में कौन सा रिलेशन रखना। हमने इंटू रखा और डबल क्लिक किए, देखिए पूरा आंसर आ गया। या इससे भी एक इजी बताते हैं चीज, ठीक है, वो इजी चीज क्या है, पहले आपको जहां तक फॉर्मूला लगाना है वहां तक सेलेक्ट कर लीजिए, हो गया इज इक्वल टू B5 इंटू C5। अब हम लोग इंटर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर। देखिए दोस्तों कंट्रोल इंटर से आंसर आ गया पूरा। ठीक है, तो हमने क्या किया, B5 इंटू C5, यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे B13 इंटू C13, यहाँ पे देखिए दिख रहा है फॉर्मूला, यहाँ क्लिक करेंगे B7 इंटू C7। अगर आपको शीट पे देखना है कि फॉर्मूला कहाँ लगा है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल और टिल्ट, टिल्ट बटन कहाँ है, आपके जो ऊपर नंबर दिया रहता है 1 2 3 4, उसके एकदम बगल में पहली की होती है, उसको टिल्ट। अब देखिए आपको पूरा फॉर्मूला दिख रहा है, B5 इंटू C5, B7 इंटू C7, B9 इंटू C9, इसी तरह पूरा। ठीक है, वापस नंबर लाने के लिए कंट्रोल टिल्ट। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। अब इसमें देखिए आपका टोटल अमाउंट भी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, जो क्या है, टोटल अमाउंट का 5%। ठीक है, तो आइए निकालते हैं, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट
इंटू 5% कहाँ लिखा है, ये लिखा है आपका एच टू में, इंटर, ठीक है, और डबल क्लिक। देखिए पहले में जो आंसर आ गया, बाकी सब में जीरो आ गया, क्यों? क्योंकि देखिए हमने आपको रिलेटिव सेल डिफरेंस में दिखाया था कि जैसे ही फॉर्मूला ड्रैग होता है तो सेल भी चेंजेस होती है, नीचे ड्रैग होती है, ठीक है। हमने जब आपको एब्सोल्यूट में ड्रैग किया तो पहले वाले में, तो देखिए फॉर्मूला लाते हैं कंट्रोल टिल्ट, पहले में क्या है डी फाइव इंटू एच टू, ठीक है, डी फाइव इंटू एच टू तो है, पर नीचे वाले में क्या है डी सिक्स इंटू एच थ्री, और एच थ्री में तो हमारी वैल्यू जीरो है, और कोई भी वैल्यू को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं, देखते हैं, डिलीट, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग कंट्रोल इंटर काम करेंगे, अब कुछ नहीं करना है आपको, इज इक्वल टू डी फाइव इंटू एच टू हो गया। अब देखिए इसमें हमको ये जो H2 है इसको कांस्टेंट रखना है, मतलब H2 सब सेल में आए, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, F4, F4 प्रेस किए, अगर डॉलर आपका रो और कॉलम दोनों के पीछे है तो इसका मतलब सेल लॉक है, तो ये हो गया। अब जैसे ही कंट्रोल एंटर करेंगे आंसर आ गया। अब देखते हैं फॉर्मूला, अब देखिए दोस्तों फॉर्मूला आपका D5 इंटू H2 है, D6 इंटू H2, D7 इंटू H2, D8 इंटू H2, D14 इंटू H2, तो मतलब सभी का क्या हो गया 5% निकल आया, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया, सेल लॉक कर दी। मिक्स्ड सेल डिफरेंस देखते हैं, मिक्स्ड सेल डिफरेंस में भी आपका है, जैसे कि मान लीजिए ये रेट दिया है, यहाँ पे हमें पूरे रेट का 20% चाहिए, यहाँ 25% चाहिए, यहाँ 30%, यहाँ 40%, ठीक है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू दिस सेल, मतलब ए फाइव इंटू 20%, और इंटर, आंसर आ गया। पर अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, एरर बताएगा, क्यों? क्योंकि वही दिक्कत है, इसमें भी ड्रैग करने पे क्या हो रहा है, हमारा जो सेल है वो मूव हो जा रही है और हमें मूव नहीं करानी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि मूव नहीं करानी तो कैसे होगा। हमने क्या कहा था, अगर आप एक बार H4 करेंगे तो आपका सेल लॉक होगा, ठीक है, दूसरी बार करेंगे तो आपका कॉलम लॉक, तीसरी बार में रो लॉक, ठीक है। आइए देखते हैं, इज इक्वल टू दिस सेल, अब देखिए हमें A5, अब हमें नीचे मूव कराना है, तो नीचे मूव कराना है तो मतलब 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, मतलब 100 का 200, 300, 400, 500, 600। तो हम एक बार F4 करेंगे तो हमारा सेल लॉक, दूसरी बार करेंगे तो रो लॉक, तीसरी बार करेंगे तो कॉलम लॉक, ठीक है, कॉलम लॉक हो गया। अब रो लॉक नहीं है तो ये 5 का 6 हो जाएगा, ठीक है, इंटू दिस सेल B4, अब B4 में भी कर देते हैं। अब B4 में हमें रो लॉक करना है क्योंकि ये जो 20 है ना ये नीचे ना आए, ठीक है, ये बगल में जाएगा, 20 चेंज होगा 25% होगा, पर 20 चेंज होकर ये नीचे नहीं आएगा, इंटर कर देंगे, देखिए आंसर आ गया। अब आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करिए और सबका आंसर आ जाएगा, 600 का 20%, 120, आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं। पहले में क्या किया हमने, कॉलम लॉक किया, दूसरे में रो लॉक कर दिया, तो इससे आपका आंसर आ गया पूरा, ठीक है। और इसी तरह सब में वही फॉर्मूला लग जाएगा, इसको वैसे ही करते हैं इजी तरीके से, कैसे, आपको जहां करना है पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे इज इक्वल टू ए फाइव, हमने कहा था कॉलम लॉक, इनटू बी फोर, इसमें रो लॉक और कंट्रोल इंटर, देखिए दोस्तों एक साथ पूरा आंसर आ गया, और आप लोग कंट्रोल टिल्ट से फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो एक्सेल की किसी भी वीडियो में तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं।